नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। जोड़ दे रहा कहाँ से इलेक्ट्रिक वाला, वो जो ऑफिस वाला है ना, कहाँ से ले आया, मिस्त्री जानता हूँ तो नहीं। मेरा घर का 2 फ्रिज उड़ गया है, एक तो पंखा उड़ा है, मोहल्ला में भी उड़ा है, टीवी उड़ा है, किसी का मोटर उड़ गया है पानी का। कितने दिनों से इस तरह की परेशानी हो रही है? मोटा मोटा 1 महीने से हो रहा है, 1-1.5 महीने से। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? विजेंद्र कुमार। कहाँ का निवासी है? बस सीतारामपुर, गांधीनगर। पहला बॉल उड़ा है रात को, ये मस्जिद का है ना? हाँ, मस्जिद का उड़ी है। अच्छा, अभी बत्ती उड़ा है? नहीं, अंदर बत्ती उड़ा है। हाँ, सब उड़ गया है। गांधीनगर में तो आज 1 महीने से हम लोग परेशान है, वहाँ पर बराबर ब्रेक डाउन हो रहा। परसों रात में तो ऐसा लाइन दिया कि सारा टीवी भी सब उड़ गया, लाखों रुपया का नुकसान हो गया। वहाँ मार रहा गांधीनगर सब जगह कंप्लेन जाके तो आदमी किया। अभी लॉकडाउन का मामला चल रहा है, बिल भी देना पड़ रहा है महामारी में, और लाइन भी सही नहीं है, लड़का लोग पढ़ाई लिखाई खराब हो रहा है, समझे? इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए आप लोग। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ फिरोज खान। अच्छा, आपका पंखा उड़ा, यही वाला? लाइन दे के देखिए तो चल रहा कि नहीं? नहीं चल रहा, लाइन दिए? ठीक। अभी पंखा उड़ा आप लोग का? दोनों पंखा उड़ गया, राबर सोए ने बच्चा लेकर के। अच्छा, तो पंखा 3 बॉल उड़ गया था, डबल फेस आने के कारण। कब हुआ ये घटना? परसों रात में। और इससे पहले आप लोग कंप्लेन किए थे? अरे कंप्लेन तो इतना दिए कि मीटर मेरा खराब है, आज 1 महीना पहले दिए, अभी तक आईबे नहीं करा बनाने के लिए। परेशानी बहुत होता है लाइन, 1 महीने से लॉकडाउन में तो काम धाम हो नहीं रहा, बिल किसी तरह से भरा रहा, ऊपर से पढ़ाई भी नुकसान है, बच्चा लोग का तबीयत खराब, बार इलेक्ट्रिक वाला कोई सुनवाई नहीं हो, लोग कुछ नहीं सुनता है। और आपका पंखा बत्ती टीवी सब? बत्ती सब बंद, कुछ नहीं चल रहा। क्या हुआ है? सब उड़ गया है। हाँ। कब उड़ा ये वाला, ये घटना कब हुआ? परसों के तारीख रहा, परसों तारीख का रात में 2 रात में लाइन आया, इतना तेजी से लाइन आया कि सारा बंद करने का मौका नहीं मिला, सारा पंखा बत्ती टीवी सब उड़ गया। अभी अभी लाइन है या नहीं है? ना, अभी लाइन नहीं है, आज रात से भी वही वोल्टेज है, ये नहीं ज्यादा बहुत रहो करता तो पंखा लग रहा हिल रहा रात भर गली। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सालिया खातून। তোমার নামটা কি? ঐশ্বর্যা। কি সব কি কি খেলাধুলা করো? জিমনাস্টিক। এখন কি করছো? কাহা পর? এসে কাহা কাহা খেলা হ্যাঁ? অভি তো ডিস্ট্রিক্ট খেলে থে। চিত্তরঞ্জন মে। ডিস্ট্রিক্ট মে ক্যা পজিশন থা? ডিস্ট্রিক্ট মে মতলব ফার্স্ট ইয়ার থে এক বার না, ফির সেকেন্ড যে ফাইনাল হতা উসমে নাম। वेट में कितना था वेट? मेरा वेट 25 या 28। हमारे कैसे ऑलरेडी विधायक की तरफ से ऑलरेडी प्रत्येक ग्रामे प्रत्येक ईचे ऑलरेडी फुटबॉल ক্র্যাম যেটা জিনিসটা চাইছে আমরা দিচ্ছি, আজকেও যেটা দেওয়া হলো, এরপরেও যেটা ওনাদের দরকার লাগবে খেলাধুলো ওনার না, যেখানে ফুটবল বা ক্রিকেট যেটা লাগছে আমরা নিজে অফিস থেকে নিয়ে এসে বিধানদার তরফ থেকে আমরা দিচ্ছি। প্রত্যেক জায়গায় দেখবেন আমরা ফুটবল নিজে আমি বেরিয়ে চাই, দাদা বেরিয়ে যখন পেরিয়ে যাচ্ছে মাঠে যখন দেখছে বাচ্চাদেরকে খেলতে, ওইখানে নিজে নেমে দিয়ে দিচ্ছে ফুটবলগুলো। খেলাধুলা ঠিক মতো কিছুটা মোবাইলের জন্য ইন্টারেস্ট ছেলেদের ওই গেম ফেম খেলে যা এই খেলে ওটা ইন্টারেস্টটা কমে যাচ্ছে, লেকিন আমরা তবুও চেষ্টা করি যতটা এখান থেকে আমাদের ক্ষমতা আছে আমরা দিয়ে লোককে খেলাধুলা করুক, এই চেষ্টাটা আমাদের বিধায়ক তরফ থেকে। ইনডোর গেমের জন্য কিছু ব্যবস্থা করা হচ্ছে? ইনডোর গেম মানে দেওয়া আছে, এটা কনস্ট্রাকশনটা স্টার্ট হোক,
তারপরে তো অসুবিধা হবে না, আমাদের এখানে একটা ইনডোর গেম দেওয়া আছে, মানে ইনডোর স্টেডিয়ামের জন্য চেষ্টা হচ্ছে, ওটাও ভালো করে। আজকে আমাদের দুজনের একটা আমরা মহাবীর সমিতি গেলাম, সেখানে দুটো মেয়ে ছিল, নেহা সাউ এবং নিশা সাউ, তাদেরকে এমএলএ সাহেবের নির্দেশে প্রতিদিন জাতীয় কিছু খাদ্য পদার্থ দেওয়া হলো এবং 2000 টাকা ক্যাশ দেওয়া হলো দুজনকে, 2000 টাকা করে তাদের জুতো কেনার জন্য, শ্যু কেনার জন্য, স্পোর্টস শ্যু কেনার জন্য। আর এখানে আমাদের ঐশ্বরিয়া সাউ, ও একজন ভালো জিমনাস্ট আছে, আমাদের স্টেট লেভেলে মোটামুটি গেছো, তো ওকেও সেরকম খাদ্য পদার্থ প্রোটিন জাতীয় এবং জুতো স্পোর্টস জুতো কেনার জন্য 2000 টাকা এমএলএ সাহেবের নির্দেশে দেওয়া হলো। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं चितरंजन में जब से लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हुआ है उसके बाद से अपराधी गतिविधि बढ़ गया है। पिछले भी दिन आप देखे होंगे बलराम सिंह का मर्डर हुआ, अभी आज घटना आप सुनी रहे हैं, एक आरपीएफ का जो रिमूव किया हुआ स्टाफ पंकज कुमार नाम सुनते हैं हम लोग उनका है, वो पहले भी मारपीट करके आरपीएफ के साथ ही मारपीट करके रिमूव हुए थे, अभी फिर वो सस्पेंडेड है। वो स्टाफ आज शाम से ही हाथ में आर्म्स लेके कुछ रिवॉल्वर लेके घूम रहा है और पूरे एरिया में एक दहशत का माहौल पैदा किया था। उसके बाद शाम होते होते लोगों का गुस्सा बढ़ा, लोगों का आक्रोश में आके उनको पकड़े हैं, उनको पकड़ के लाकर थाना में दिया गया है और उनका प्रदर्शन अभी तक चल रहा है। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग ये है कि इस तरह का जो आपराधिक गतिविधि है उसको रोकना चाहिए और ऐसे जो अपराधी लोग जो आज यहाँ चितरंजन में जो बास कर रहे हैं इनको इमीडिएट चितरंजन छोड़ बाहर निकालने का रास्ता दिखाना चाहिए। हम लोग का महाप्रबंधक महोदय से बहुत उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी कैसे इस शहर में रह रहा है, जो आतंक बना हुआ। अभी बलराम सिंह मर्डर केस में भी कुछ आरपीएफ लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिना प्रशासन के मिली भगत के कोई अपराधी का मनोबल बढ़ता नहीं है, इसे साफ जाहिर होता है। ये जो घटना घट रहा है इसमें आरपीएफ प्रशासन और पुलिस प्रशासन का मिली भगत है, इसी चलते घटनाएं बढ़ रही है। आज क्या हुआ था? राहुल सिंह का गाड़ी थोड़ा मोड़ पे फंस गया था, हम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे हमको हथियार निकाला, राहुल सिंह ड्राइविंग कर रहा था, ये पंकज मंडल अंदर में बैठा हुआ था, हथियार निकाला, हमको बोला कि बहनचोदा तोरा गोली मार दे, तो हम बोले कि गोली काहे मारिएगा भैया, हम क्या किए? तब सानू वहाँ पर आया, बोला हथियार लो, मारा इसको गोली। तब तक उसका जो हथियार बड़ा था वो मेरे ऊपर निकाला, तो ऐसे करके पकड़े और उसको खींच के छू लिया। आप कैसे बच के निकले वहाँ से? चित्र वहाँ से बच के ऐसे निकले भाई, आप चेहरा में भी ऐसे करके बच के निकल गए, कैसे करके गाड़ी में मेरा दोस्त यार लोग था, उन लोग को हथियार दिए, गाड़ी नहीं किए, थाना बुलाए, हथियार दिए। हाँ अभी वो यही सब हुआ और क्या बोलेंगे? आरपीएफ के ऊपर आप लोगों का क्या भरोसा है? नहीं, हमको तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आरपीएफ का स्टाफ है और आरपीएफ को ऑलरेडी वो एसआई ने किसको हाथ छोड़ा, हमेशा बराबर वो टॉर्चर करते रहता, आरपीएफ स्टाफ उसके ऊपर कुछ केस नहीं करता। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? आपका नाम? मेरा नाम कुणाल सिंह है।